फाड़ देगा ये। ओए 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 चल रहे, भाषा रहा इसका अभी। चल 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 जितना उसका खेलेगा ना साला उतना काटने को देखता है। लगता है उसका नखून विकून देख देख कैसा चढ़ता है। तो इस पर डाल देना। नहीं हो गया, फोटो निकाला ना। एक एक सामने से निकाल देना भैया, एक ए सामने से निकाल देना, सामने से। ठीक है चल रहे, मैं निकलता हूँ। इसमें डाला है क्या? निकलू? चलो मैं निकलता हूँ, चलो बाय। चलो बॉयज, तो फाइनली राइड चालू हो गई है, मच मच अवेटेड राइड। वी आर ऑन द रोड। तो गाइस लगेज भी प्रॉपर स्ट्रैप कर लिया है, टैंक बैग भी बांध लिया है, सब सेट लग रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 बज के 8 मिनट जैसे आप कंसोल पे देख पा रहे हैं। और मैं आधा घंटा लेट हूँ, मतलब मेरे ऐसा मुझे कुछ ऐसा टाइम ये नहीं है, बट मैंने सेट किया था 5:30 बजे मैं निकलूँगा, बट नॉर्मली ऐसा होता ही है। एक तो फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं इतना मतलब इतना तैयारी वगैरह करके निकल रहा हूँ, सो एक्सपेक्टेड था कि होगा, मतलब थोड़ा अरेंज वगैरह करने में कैसा क्या थोड़ा लेट होगा ही होगा, बट अच्छा फील हो रहा है। अभी फाइनली निकल चुका हूँ, घर वालों को भी बाय बाय जो भी है सी ऑफ कर लिया, कर लिया उन्होंने भी। जैसा कि आपने टाइटल में ही देख लिया होगा कि ये राइड है केरला, केरला की राइड है। और अभी हम जा रहे हैं, आज का है जो है वो आज का डे वन है मेरे लिए, मतलब बाकी राइडर जो है वो पुणे से मिलने वाले हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल डे वन मेरा फ्राइडे से ही चालू हो रहा है, अभी फ्राइडे मॉर्निंग हो रहा है। तो मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ, आज मैं पुणे में स्टे करने वाला हूँ मेरे कज़िन के यहाँ पे। तो आज पुणे का राइड है, मुंबई टू पुणे, तो एंजॉय करते मुंबई टू पुणे। ऑल सेट लग रहा हूँ मैं, और सब गियर वगैरह पहन के और भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। लगेज भी प्रॉपर स्ट्रैप है ऐसा फील हो रहा है अभी तक, तो आगे देखेंगे। सो हेलो गाइस, अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं और अभी काफ़ी उजाला हो चुका है और ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ रहा है।
इससे पहले मैं लोनावला का रूट पहले पकड़ लेता हूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक होने से पहले, नहीं तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। अभी हम अपने एक अजीज से मिलने जा रहे हैं, हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन हमें ज़रूर करेंगे। तो अभी मैं माथेरान के अभी पहुँचा हूँ, ये यहाँ से जाने के लिए माथेरान हिल स्टेशन, और यहाँ से अभी हमको जाना है। अभी भी 3 घंटा बता रहा है, 3 घंटा और है, कोई नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे। अभी 10 बज रहा है, एस्टिमेट तो रखा था मैंने 1 बजे तक का, और 1-1.5 बजे के आसपास ही शायद पहुंचेंगे। लेट्स सी, अभी फ़िलहाल तो खुले खुले रास्ते मिल रहे हैं, सो टेंशन नहीं है। कंफ्यूज करता है, पहले उधर जाने का लेफ्ट जाने का सिग्नल किया, फिर शायद उसने मन चेंज किया कि नहीं भराऊंगा पेट्रोल। उधर ट्रेन जा रही है कौन सी, तो भी अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो मुंबई पुणे तो नहीं है, अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, मतलब अभी 10:30 के आसपास होने आ टाइम, 10:21 हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उतना अनबेरेबल ऐसा कुछ नहीं है, स्वेटिंग नहीं हो रहा है फिलहाल अभी तक तो, मज़ा आ रहा है, कुछ बैक पेन वगैरह इतना कुछ भी नहीं है अभी। आई गेस 150 120 किलोमीटर के आसपास हुआ रहेगा। रास्ता भी सही है, सीमेंटेड है सब, ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, ज़्यादा गड्ढे नहीं है, तो अभी तक फ़िलहाल ये पुणे वाले हाईवे पे आकर के एकदम थोड़ा थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है। वो स्प्लेंडर वाला देखो कब से वो मेरे से आ गई है, और वो डबल सीट भी है, वो बेकार भगा रहा है वो मैं तो 80 तक था, वो 80 के भी ऊपर था, जब मैं 80 हूँ तो वो 90 है। कोई डर नहीं स्प्लेंडर बॉयज़ को, कोई डर नहीं, इनको हायाबुसा दो ये उड़ा देंगे। लिटरली उड़ा देंगे। घाट एरिया चालू हो गया है, लोनावाला पहुंचने ही वाले अपन। कुछ ही टाइम में अपन लोनावाला में होंगे,
तो अभी अपन घाट चढ़ गए, NH 48 पे ही चल रहे हैं अपन। अभी अपने को धीरे धीरे ये ऊपर जाएंगे तो व्यू देखने मिलेगा लोनावड़ा। ओके लुक एट दिस, पहले भी हम आ चुके हैं यहाँ पे, बट वो था मॉर्निंग का टाइम, ये है आफ्टरनून ऑलमोस्ट, नहीं ये भी मॉर्निंग है, 10:45 बजे सही है, बट अभी हम रुक रहे नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे धूप हो जा रहा है। सो निकलते ही आगे ही बढ़ते, लेट्स गो। सो ये आ गया आपको एकवीरा मैगी पॉइंट। अरे बाबा बाबा बंदर मामा, अरे 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 इन पुणे नाउ, और मेरे ख्याल से 10-15 किलोमीटर है और फिर मेरे कजिन भाई के घर पे मेरे को जाना है, मतलब उसका घर हांदेवाड़ी में उर्गी रोड पे, उंदरी रोड पे। सो वो यहाँ से मेरे ख्याल से 15 या 20 किलोमीटर कुछ तो भी है। सो एक छोटा ब्रेक लेंगे, उसके घर जाएंगे, उसके पहले छोटा ब्रेक इन द सेंस बस थोड़ा साइड में रुकेंगे, पैर वे स्ट्रेच करेंगे थोड़ा। फिर देखेंगे आगे, बट अभी पुणे में आते ही है ना रोड्स वगैरह अच्छे मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं और क्लीन भी लग रहे हैं, आजू बाजू डिवाइडर पे अच्छे फूल वगैरह लगे हुए हैं, झाड़ लगे, पौधे लगे हुए हैं। सो एक राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा बेटर फील होता है। अरे बैंचोदी क्या है, क्या था वो फायर एक्सटिंग्विशर के का हिमालयन पे। फायर एक्सटिंग्विशर वाला हिमालयन पे जा रहा था, ये भी सही है, ये भी ठीक है। शायद एक और आया कोई, ओह माय गॉड, ये तो मैंने पहली बार देखा ऐसा चीज, ये पुणे में ही हो रहा है क्या। अभी किधर हो रहा, पुणे मतलब एकदम पुणे शायद अपन पहुंचे नहीं, अभी एकदम पुणे अपन पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में।
तो अभी हम लोग दापोली में, मेरा मोबाइल डेड हो गया, बैटरी ख़त्म हो गया उसका। अरे माँ कसम, बैटरी तो चल रहा है, तो क्या बंद हो गया था। तो भी एक लोकल से पूछा तो हांदेवाड़ी किसी को पता नहीं है, मैं एक्चुअली जाना हांदेवाड़ी, तो हांदेवाड़ी एक्चुअली एड्रेस किसी को पता नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे कांदेवाड़ी है और खांदेवाड़ी है और एक कौन सा तो वाड़ी बोला उसने, वो है हांदेवाड़ी किसी को पता नहीं, तो उन्होंने बोला शिवाजी नगर पूछने के लिए। तो शिवाजी नगर यहाँ से अभी और एक घंटा है, तो वही अपना 1 बजे का टाइम बता रहा है, सीधा ही सीधा जाना है, लेकिन 23 किलोमीटर बता रहा है। सीधा सीधा 23 किलोमीटर। तो और जाना है, 1 घंटा बता रहा है, मैं भी शायद 45 मिनट्स में पहुंच जाए अपन। ऐसे नहीं पहुंचेंगे, एक कांदेवाड़ी है, एक खांदेवाड़ी है, और एक कोई तो वाड़ी बोला उसने जो कि मुझे तो समझा नहीं, उसने बोला शिवाजी नगर। ओह माय गॉड, ये क्या है, मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग था समथिंग वहां पे। तो टूर कुछ ऐसा है, केरला से, केरला मतलब केरला के लिए, केरला जा रहे हैं, केरला टूर में जाएंगे, हाउस बोटिंग करेंगे, बैक वाटर्स में जाएंगे, ओवरनाइट स्टे रहेगा हाउस बोटिंग में। और टोटल हम लोग 7 जन हैं, 7 जन हैं और एक ऑर्गेनाइज़र है, एक जो हमको लीड भी करेगा, तो उन लोग सब मुझे अभी एक बार आफ्टरनून में मीट करेंगे। एक्चुअल जो राइड है सारे लोग मुंबई पुणे से ही है, मैं अकेला सिर्फ मुंबई से आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों बट मैं आ रहा हूँ। और एक्चुअल राइड जो है जब सब साथ में जो करेंगे वो कल से है, कल मॉर्निंग में 4:30, 4:35 o'clock का मीटअप है, मतलब मीटिंग टाइम है, तो वो टाइम पे मीट करके ये क्या चलिए। पुल से उतर के शायद मेरे को इधर नहीं आने का था, कात्रे चौक यही है क्या? आगे बढ़ा सकते हांदेवाड़ी, पता है क्या हांदेवाड़ी? हाँ लेफ्ट ना, सो गाइस अभी फिलहाल चार्जिंग खत्म हो गया मेरे फोन पे, तो मैं एक जगह राशन कार्ड राशन की दुकान पे रुका, थोड़ा फ़ोन चार्ज किया, फिर मैंने जो मेरे कज़िन भाई यहाँ पे पुणे में रह रहे उनको कॉल किया, यही है जो एवेंजर पे है,
काइंड ऑफ लाइक सूर्य कुमार यादव। ही रिजेंबल्स हाश। फाइनली जान में जाना ही भी, घर पे बैठूंगा भेंडी थोड़ा सा, फिर कुछ खाऊंगा पीऊंगा। हेलो गाइस, तो अभी मैं कजिन भाई के घर पे आ चुका हूँ यहाँ पे पुणे में, और मैंने यहाँ पे सामान सब रख दिया। सो अनपैक कर रहा हूँ मैं, अभी अनपैक करके मैं अपने चीज़ें सेट कर रहा हूँ। और अभी मैं गया था माइक और हेलमेट का माइक स्पीकर लेने के लिए, जो हेलमेट में जो लगता है अंदर की तरफ में। एक सीन हो गया था वहाँ पे जाने की तरफ कि मेरा मोबाइल एक्चुअली मेरे पॉकेट में से गिर गया था। सो मतलब लिटरली बहुत सीन हो गया मेरे को लगा करके कि मैं घर पे ही भूल गया रहूँगा, कि बाहर नहीं मैं घर पे ही भूल गया रहूँगा करके मेरे को ऐसा लगा। सो फिर लेकिन एक्चुअली बाद में उन्होंने बोला करके कि कॉल जो भी है करके उन्होंने बोला करके कि अगर कुछ लग भी गया तो तू फ़ोन ले ले करके। तो फ़ोन बाद में देखा तो फ़ोन नहीं था यहाँ पे भी। तो फिर जा करके लकीली कॉल किया, एक बार मैंने उठाया, दो बार में उठाया, फिर थर्ड टाइम में जिसने फ़ोन जिनको फ़ोन मिला था उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर उन्होंने आंसर किया करके कि यहाँ यहाँ पे है वो भी, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर, मतलब 4-5 मिनट में वो 4-5 किलोमीटर तक चले गए थे। तो वहाँ पे जो है हम लोग फिर वहाँ से उन्होंने हमने वो ले लिया, उनको जा करके मिल के ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए माइक और स्पीकर हेलमेट का, मतलब नहीं नहीं करके क्योंकि 15 मिनट का काम था, बट टोटल हम लोग को लग गया 1.5 घंटे, 1 घंटा लग गया रहेगा, 1.5 घंटा मीन 1 घंटा लग गया रहेगा हमको ये सब पक्षोरी के चक्कर में, 1 घंटा तो हम लोग का वेस्ट हो गया। अभी मैं अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ वर्क का, कल तो सैटरडे, कल नहीं रहेगा, बस आज का मैं जो मेरा काम है वो मैं ख़त्म करके बाकी कल की तैयारी करते हैं।